नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के शुरुआती 11 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे फिल्म ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज के शुरुआती 11 दिनों के कलेक्शन को देखने के बाद अब यूं लग रहा है कि फिल्म का जो लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन है वो शायद 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धीमी शुरुआत ली थी, लेकिन फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले थे। तो हम सबको यह उम्मीद थी कि फिल्म शायद बॉक्स ऑफिस पर 2-3 हफ्ते तक टिक जाएगी और 2-3 हफ्ते में फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन एक डिसेंट सा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सम्राट पृथ्वीराज ने पहले हफ्ते में तो कोई खास कमाई नहीं की, लेकिन दूसरे हफ्ते में भी फिल्म में वो उछाल देखने को नहीं मिला जिसकी उम्मीदें थी। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें सम्राट पृथ्वीराज के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो सम्राट पृथ्वीराज ने अपने पहले दिन 10,70,00,000 रुपए से ओपनिंग ली थी, और फिल्म ने शुरुआती 7 दिन यानी कि पहले हफ्ते में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था 55,05,00,000 रुपए का। वही दोस्तों फिल्म ने दूसरे हफ्ते में कदम रखते ही अपने 8वें दिन यानी कि दूसरे शुक्रवार ऑल इंडिया नेट कलेक्शन सिर्फ 1,85,00,000 रुपए का किया। वही फिल्म ने अपने 9th यानी कि दूसरे शनिवार ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया 2,45,00,000 रुपए का। लेकिन दोस्तों इस फिल्म के दूसरे रविवार यानी कि 10वें दिन के कलेक्शन में एक बड़ा उछाल आया और फिल्म ने अपने 10वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन किया 3,25,00,000 रुपए का। इसी के साथ दोस्तों शुरुआती 10 दिनों के अंदर सम्राट पृथ्वीराज का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका था 62,55,00,000 रुपए। लेकिन दोस्तों यह फिल्म 11वें दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से नीचे बैठ गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म को 11वें दिन मॉर्निंग वाले शोज में 6-7% की ऑक्युपेंसी देखने को मिली है, जो कि काफी कम है। साथ ही साथ फिल्म की इवनिंग और नाइट्स की बुकिंग भी कोई खास नहीं है। तो दोस्तों जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक सम्राट पृथ्वीराज अपने 11वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 1,50,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज का 11 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 64 करोड़ की रेंज में, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 83 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों एस्टिमेट आंकड़ों के हिसाब से सम्राट पृथ्वीराज का जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है वो 98 करोड़ का हो चुका है। तो दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज का बजट काफी ज्यादा था और फिल्म का कलेक्शन 2 हफ्तों में उतना खास नहीं रहा, यानी कि सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है फ्लॉप। लेकिन अब देखना यह है कि फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो आखिर कहां तक जाता है। वैसे आपको क्या लगता है पृथ्वीराज का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा, कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।